सो फ्रेंड्स, आज है 27th of June और आज हम सभी के सामने आ चुकी है कल की 2898 मूवी आफ्टर डोमिनिक, जिसमें स्टार कास्ट है प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमाल हसन और भी कई सारे आर्टिस्ट। मैं इस मूवी के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैं रात भर सोया ही नहीं। मैं इसकी स्क्रिप्टिंग कर रहा था, साथ में मैंने थंबनेल भी एडिट कर रख दिया था एंड मैंने सुबह का शो भी बुक करके रख दिया था। तो मैं सुबह सुबह देख कर रहा था 8 बजे का शो एंड मैं इतना एक्साइटेड था इस मूवी का रिव्यू देने के लिए, बिकॉज ये रिव्यू हमारे चैनल का सेकेंड रिव्यू होने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर माई रिव्यूज ऑन दिस मूवी। सो मैं हूं अभय भदौरिया और आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं अपना रिव्यू अपने अंदाज में कल की 2898 मूवी के बारे में। सो बिना स्पॉइलर्स और टाइम वेस्ट करें इस मूवी का रिव्यू शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आता रहूंगा। सो फ्रेंड्स, मैं पहले आप लोगों को इस मूवी का सिनॉप्सिस दे देता हूँ। बेसिकली ये जो मूवी है ये आज से 6000 साल बाद मूवी सेट है और इस मूवी में दिखाया गया है कि पूरी दुनिया जो है तबाह हो चुकी है और सिर्फ खाली दुनिया का जो पहला शहर था काशी वो अब आखिरी शहर बन चुका है। और यहाँ पे जो रूलर्स हैं उन लोगों ने ऐसा रूल करके रखा है कि सिर्फ खाली अब दो जगह बच चुकी है। एक है काशी जो कि पूरा रेत से भरा हुआ है, जहाँ पे मतलब जीने के लिए 0% पॉसिबिलिटी है। बेसिकली मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नाम की जगह है काशी के ऊपर, जो कि एक पूरा उड़ता हुआ शहर है और वहां पे जो है सिर्फ खाली अमीर लोग ही रह सकते हैं जिनके पास 1 मिलियन से ऊपर यूनिट्स हो। वहां पे रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, सब लोग रह रहे हैं मस्त आलीशान वाली लाइफ जिंदगी जी रहे हैं, मस्त चिल चल रहा है भाई, वहां पे मस्त पार्टियां हो रही हैं एंड जिनके पास 1 मिलियन यूनिट्स है वो लोग जी सकते हैं। इसीलिए अगर आप अमीर हो तो जियो, नहीं तो नीचे जाके काशी में जियो। एंड वहां पे जो लाइफ है काफी ज्यादा बेकार है, उन लोगों के पास खाने के लिए अच्छा फूड नहीं है, ऊपर जो है फ्रूट्स है सब्जियां, नीचे इन लोगों के पास बहुत कम रिसोर्सेस है खाने के लिए। और बेसिकली जो मूवी की स्टोरी ली गई है वो अपनी एपिक बुक से ली गई है, जो कि हम बचपन से कहानियां सुनते हैं अपने भगवानों के लिए, जो कि बेसिकली महाभारत दिखाई गई थी, उन्हीं के कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट इन्होंने लिया हुआ है और उन्हीं से इंस्पायर हुए हैं। और ये जो मूवी है इनके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि ये लोग इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छे से ग्रैप कर सकते हैं। बेसिकली मूवी कहीं ना कहीं नए जनरेशन को टारगेट कर रही है, बट स्टिल जो स्टोरी का जो स्कोप लिया गया है वो पुरानी ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करने के लिए लिया। और जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया था कि जो मेन विलन है जो कि सुप्रीम यास्किन है, वो नहीं चाहते हैं कि जो विष्णु जी का 10th अवतार है कल की वो बॉर्न हो। तो बेसिकली हम सबसे पहले सीन की तरफ बढ़ते हैं जो कि रहता है महाभारत के कुरुक्षेत्र का सीन, जिधर हम देखते हैं लॉर्ड अर्जुन, लॉर्ड कृष्ण, साथ में हम देखते हैं हमारे लॉर्ड अश्वत्थामा जी जो कि वहां पे लड़ रहे हैं एंड साथ ही में उन्हें जो है कृष्ण जी की तरफ से श्राप मिलता है, बिकॉज वो एक इन्फेंट को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं अश्वत्थामा जी, जिससे कि कृष्ण जी जो है वो अश्वत्थामा जी को कर्ज देते हैं कि वो कभी नहीं मर सकते और वो हमेशा अमर रहेंगे और वही जो है प्रोटेक्टर रहेंगे उनके 10th अवतार के लिए जो कि कल की है। और बेसिकली जो अश्वत्थामा जी है उनके ऊपर जो एक स्टोन दिया हुआ है जो कि मणि है शिवमणि, कृष्ण जी जो है वो उनसे मणि ले लेते हैं और जो उनका शिवमणि था जिससे उनकी मेन पावर थी वो उनसे छीन ली जाती है। फिर हम आगे मूवी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है भैरवा जो कि काफी ज्यादा अपने चिल जोन में रहते हैं, वो अपनी मस्त जिंदगी काट रहे होते हैं काशी में। उनका एक सपना है कि वो कॉम्प्लेक्स जाएंगे, 1 मिलियन यूनिट्स कमाएंगे और कॉम्प्लेक्स में मस्त अपनी आलीशान जिंदगी जिएंगे। बेसिकली इस मूवी में जो उनको दिखाया गया कि वो एक बाउंटी हंटर है और वो जो है बाउंटी के थ्रू यूनिट्स कलेक्ट करते हैं जिससे कि वो एक अपना पूरा सपना पूरा कर पाए कि वो मस्त कॉम्प्लेक्स में रहे, अपनी आलीशान लाइफ जिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, दिखाया जाता है बुजी जो कि उनका मेन व्हीकल है और वो बेसिकली व्हीकल नहीं बेसिकली एआई है वो, और वो ऐसा ही है जो सारे काम करता है जिसके अंदर फीलिंग्स भी है। एंड मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आया बिकॉज वो एक प्रॉपर आयरन मैन वाली फील दे रहा था, जिसकी आयरन मैन का एक इंटरफेस है जार्विस फ्राइडे, वैसी एक पूरी फीलिंग दे रहा था। फिर हम आगे बढ़ते हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर पे जो कि कल्की की मदर होने वाली है और उनका मूवी में नाम होता है SUMAT, बेसिकली उनका नाम होता है सुमेटी बट उनका जो कॉम्प्लेक्स में नाम दिया जाता है वो दिया जाता है SUMAT। और अब बढ़ते हैं इस मूवी के विलन के ऊपर जो कि सुप्रीम यास्के और इनका रोल प्ले कर रहे हैं कमल हसन जी। उनको एक काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर दिखाया गया है और वो कम से कम 200 साल से एक इविल राक्षस की तरह घूम रहे हैं। वैसे तो मैं कहूंगा कि ये मूवी एकदम फ्रेश पीस है इंडियन सिनेमा के लिए, बट स्टिल कुछ कुछ पॉइंट्स पे ये जो मूवी है कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड लग रही थी, जैसे ड्यून से इंस्पायर्ड लग रही थी, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से इंस्पायर्ड लग रही थी। जो मेन काशी सिटी दिखाई थी वो काफी ज्यादा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नोवेयर जैसी लग रही थी। और बेसिकली इस मूवी में काफी सारे कैरेक्टर्स के कैमियोज की बात चल रही थी। सबसे पहला रूमर हमें आ रहा था कि इस मूवी में हमें राणा डग्गुबाटी जी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज वो प्रमोशन के टाइम पे काफी ज्यादा प्रभास और कल्की की टीम के साथ थे, बट मूवी में कहीं ना कहीं वो तो नहीं दिखे। और साथ में कहा गया था कि जो इंडिया की नेशनल क्रश है मृणाल ठाकुर नेशनल क्रश थी बट मुझे तो अभी पसंद है
तो उनके भी रूमर आ रहे थे कि वो भी इस मूवी में होंगी, और वो रूमर रियल था, वो इस मूवी में थी, और बेसिकली उनका एक छोटा सा कैमियो था, बट उनका कैमियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाते हैं डुलिक्यूर सलमान, और उनका भी रूमर जो था रियल था, और वो दिखाए गए थे भैरवा के कैप्टन, जो कि उनको रेस करते हैं, भैरवा को बड़ा करते हैं, उनको फाइटिंग स्किल्स सिखाते हैं, जो काशी है वहाँ पर रहने के उनको तरीके सिखाते हैं कि कैसे रह सकते हैं। तो डुलिक्यूर सलमान का हमें इसमें कैमियो दिखा था। साथ में हमें दिखाए गए थे SS राजामौली, जिन्होंने बाहुबली डायरेक्ट की थी, और सेवरल मूवी साउथ की जो हिट रह चुकी है, जैसे कि RRR, बाहुबली 1-2, उनके डायरेक्टर को दिखाया गया था, एंड उनका भी ऐसे ही बस एक फनी कैमियो था, बट स्टिल उनको देख के ही बड़ा मजा आया। और मूवी का जो फर्स्ट हाफ है बेसिकली फोकस करता है सभी कैरेक्टर्स के बिल्डअप्स के लिए, जिसमें कि हम भैरवा का पूरा बिल्डअप देखते हैं, उसका पूरा चाइल्डहुड बचपन फ्लैशबैक देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है सुमेति जो कि दीपिका पादुकोण है, उसका भी हम पूरा कैरेक्टर बिल्डअप देखते हैं, एक्सपेरिमेंट है जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट के दिखाया गया था, वो प्रोजेक्ट कल्कि था। फिर उसके बाद जो है सेकंड हाफ फोकस करता है कि कैसे अश्वत्थामा और जो रेबल्स उस मूवी में दिखाए गए हैं, जो कि सुमिति को सेव कर रहे हैं, बेसिकली कल्कि को सेव कर रहे हैं, वो कैसे लेके जाते हैं शंबला में, और शंबला में जो कि बेसिकली प्लेस है कल्कि के बॉर्न प्लेस, वहाँ पे वो लोग कैसे लेकर जाते हैं उनको, और जो बेसिकली नोमैन की जो फोर्सेज है, जो कि सुप्रीम यास्किन की फोर्सेज है, वो उनके पीछे पड़ जाती है कहीं ना कहीं, और साथ में अपने जो भैरवा जी हैं वो भी तो पीछे पड़े ही हुए हैं। बाकी मुझे इस मूवी में अश्वत्थामा वर्सेज जो भैरवा की फाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी, मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, आपको वो मास फील होता है, मतलब फील होगा जब जब अमिताभ जी अपने एक्शन में आएंगे, उनका हर एक प्रेजेंस, हर एक स्क्रीन टाइम इतना इफेक्ट डाल रहा था मूवी में, इतना इतना भारी फील हो रहा था कि वो मज़ा दे रहा था। और जो फाइट सीक्वेंसेस हुए थे भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा कमेंसेबल थे, बिकॉज भैरवा जो था वो कंटिन्यूसली लड़े जा रहा था एक डेमी गॉड, जबकि सिर्फ खाली उसको एक घमंड था कि मैं कोई भी फाइट हारता नहीं हूँ, बट अश्वत्थामा जी को ये पता था कि मुन्ना तुम हार जाओ, तुम मत लड़ो। और एक मोमेंट जो ऐसा आया था जब अश्वत्थामा जी ने अपने पैरों से बुज्जी को रोक दिया था, और जब बुज्जी ओवर पावर्ड हो गई थी तो अश्वत्थामा जी ने उसका टायर तोड़ दिया था, एंड वही वो एक सीन था जब प्रभास का बिल्डअप मुझे दिखा था, जिसमें वो फुल एग्रेशन में लड़ने पर आ गए थे, एंड उसने कहा था कि अब तो आ जा बेटा, अब मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, वो एक सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा था, बट स्टिल अश्वत्थामा जी जीत गए, बिकॉज उसमें उन्होंने तो इतनी युगों की लड़ाई देखी है, जब उन्होंने महाभारत में लड़ा है, तो यार ये प्रभास का जो भैरव है वो तो ऐसे मतलब ऐसे मसल देंगे। और मुझे इस मूवी में ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, मतलब जो बेसिकली हाइट दिखाई गई थी, जो गॉड्स की हाइट होती थी और जो एंशियंट पीपल लोगों की हाइट होती थी, वो ये मानो अप्रॉक्स 7-8 feet होती थी, मतलब खली सर बराबर, और जो आजकल के लोग हैं उनकी तो मतलब 5-6 बस, लास्ट 6 होती है, 6 से 7 जाती है बस, ये मैक्स होती है, बट जो अश्वत्थामा जो उनकी रियल हाइट में, तो उनको जो जस्ट डबल दिखाया था एंड इतने जाइंट दिखाए थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो मसल देंगे भाई, ऐसे मसल देंगे प्रभास को, बट स्टिल बिकॉज प्रभास ऐसा दिख रहा था, ये है अपना प्रभास इतना सा, और ये अपने अश्वत्थामा जी इतने बड़े, तो वो एक मतलब एक फीलिंग आ रही थी कि भाई कि यार हाइट डिफरेंस तो है दोनों के बीच में। मूवी का CGI, VFX, ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे और बेटर हो सकते थे, पर पहला सीक्वल था तो हमें ज़्यादा कॉन्स नहीं निकालने चाहिए। और जो मूवी के मेकर्स का जो इमेजिनेशन था वो कमाल का था, सच में नाग अश्विन जी का जो इमेजिनेशन प्रोसेस था इस मूवी को लेकर वो कमाल का लगा मुझे, एंड लिटरली जो महाभारत के उन्होंने सीक्वेंसेस दिखाए इतने रियल लगते हैं कि मतलब आपको खुद लगेगा कि आप वहाँ पे हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मतलब मैं महाभारत शो देखा हूँ जो कि टीवी सीरियल्स पर आता था, जब वो हमें इतना कनेक्ट कर देता था, मतलब उसको कनेक्ट करने के लिए भी हमें देखना पड़ता था कि कल का एपिसोड आएगा, लेकिन इस मूवी में 15 मिनट के अंदर हमें महाभारत से कनेक्ट कर दिया। बाकी मैं तो कहूँगा आप लोग जाके मूवी देखो, इन्जॉय करो, और मेरा तो प्लान ये भी चल रहा है कि मैं फैमिली के साथ जाके देख के आऊँगा एक और बार ये मूवी, मतलब मैं अभी अकेले गया था ना। जिन लोगों ने भी मूवी देख ली आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी मूवी, साथ में अगर कोई डिटेल मिस हो गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आता रहूंगा, काफी टाइम से इन एक्टर था बिकॉज एग्जाम चल रहे थे, बट अब मैं रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, जल्द से जल्द जो भी मूवी देखूंगा उसके रिव्यू लेकर आऊंगा, तो आप लोग भी बने रहो। साथ में आप लोग कौन सी मूवी का नेक्स्ट रिव्यू चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।